कोसी पुलिस स्टेशन के पास में लगभग 6 से 7 मॉडर्न, 3 से 4 पुलिस अधिकारी, जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, वो लोग एक ही जगह खड़े रहेंगे, फाइन मारते हैं और गाड़ियों को रोकते धक्के, यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं। हर रोज चलता है, 12 बजे के बाद रोज चलता है वो चेक। मैंने खबर भी चलाई थी, हमने कितनी न्यूज़ों में खबर। ऐसे लोगों को आप प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहोगे कि दो दो मॉडर्न ऐसे मतलब डिवाइड ना हो जाए? पिछले साल अगर आप लोगों ने उसे दिया तो पिछले साल काफ़ी हद तक के जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमारे साथ थे और काफ़ी हद तक के उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से। मर्जिया मैडम, हर साल की तरह इस साल भी आप ट्रैफिक का जो वॉलंटियर लगाते हो और आप खुद यहां पर रोड पे उतर के ट्रैफिक क्लियर करवाते हो, तो कहीं ना कहीं हमें जहां तक बताया कि 15 बजे तक आप आ जाते हो, तो इस बार 21वां रोजा चल रहा है, तो इस बार लेट कैसे हो? मतलब ऐसे जानकारी दी आपको, आप भूल गए शायद, पिछली बार भी हम लोग 20वें रोजे को ही आए थे। अच्छा। हम लोग लास्ट के ही 10 दिनों में करते हैं जी, क्योंकि ज्यादातर लास्ट के 10 डेज में ही ट्रैफिक होता है। पिछली बार भी हम लोग 20वें रोजे को आए थे, हाँ इस बार हम लोग 20वें रोजे को आए, पर पिछली बार भी हम लोग 20वें रोजे से ही हमने शुरू किया था, तो क्योंकि लास्ट का जो आश्रय रहता है उसमें सबसे ज्यादा भीड़। अच्छा, मुमरा का जो ट्रैफिक विभाग है आपको भी पता है, हमें भी पता है कैसा है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करता है, ना कोई वार्डन दिखता है। अभी रमजान का महीना है तो वार्डन और कांस्टेबल दोनों मौजूद रहना चाहिए हर ट्रैफिक, जहाँ जहाँ ट्रैफिक हो रहा है, जाम हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे ट्रैफिक विभाग को? देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले आपने एक लेटर भी दिया था, पत्र व्यवहार भी किया था, जो है कि सीनियर PI, हम खुद आए थे वहाँ पर कुछ दिन पहले, हम DCP सर को भी लेटर दे के आए थे और मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर सर को भी लेटर दिया, RTO के सीनियर सर को भी हमने लेटर दिया, हमारी उनसे बात भी हुई कि हमको कैसे मैनेज करना है और उन्होंने कुछ हद तक हमारे साथ कोऑपरेट किया है, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कुछ हद तक कोऑपरेट किया। लेकिन ट्रैफिक विभाग कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है जी। हाँ, एक्चुअली देखिए, प्रशासन के पास मैन पावर बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बहुत सारे मैन पावर आ गए, हमने खुद देखे ट्रैफिक विभाग में नए नए कांस्टेबल, नए नए सब वार्डन वगैरह भी आए। अभी देखिए, हम जो ऑफिशियली जो एक रूल होता है, जिस तरीके से हमने उस तरीके से उनको लेटर भी दिया, उनसे बात की, अभी हमको ये जवाब है कि उनके पास प्रशासन नहीं है, तो हम उनके लिए वेट तो नहीं कर सकते कि कब कोई आएगा और हमारे शहर की जिम्मेदारी लेगा। हम इस शहर में पैदा हुए, इस शहर में बड़े हुए, तो सबसे पहले हमारी खुद की जिम्मेदारी है ना, बाकी लोग तो ठीक है बाद में आएंगे जाएंगे, जो भी है आते जाते रहते हैं प्रशासन और लोग, जो भी है कम कभी होगा, मैन पावर कभी बढ़ जाएगा, बट हम मुमरा के कॉन्स्टेंट लोग हैं, मुमरा हमारा शहर है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी होती है मुमरा के लिए। इतने सारे यूथ हैं, मैं चाहती हूँ कि यूथ उतर के अपना काम करें, हमारे मुमरा कोसा के लिए काम करें। हम मोहम्मदली रोड में भी देखते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे यूथ जो है उधर के काम करें, मुमरा के यूथ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं हमने खुद हर साल पिछले 3 सालों से हम इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम किसी का वेट नहीं कर सकते कि हमारे मुमरा कोसा को कैसे हम सहूलत दें। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद, हमारे अभी कमेटी मेंबर्स बन चुके हैं पिछले साल से, हमारे 50 कमेटी मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ इस साल भी जुड़े हुए हैं और इस साल भी हम काम करें। अब मर्जिया मैडम, जैसे अवैध पार्किंगें लगाते हैं और रिक्शे वाले भी बीच में रिक्शा खड़ा कर देते, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? हम उनसे, आप अगर देखेंगे तो हमारे कम से कम 50 चक्कर होते हैं, वहाँ से वहाँ तक हम खुद साथ में रहे। यस 50 चक्कर होते हैं, आप रोज आइए रोज देखिए, हमारे 50 से ज्यादा ही चक्कर होंगे और हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं, हमारे साथ जितने भी वॉलंटियर्स हैं बहुत एफर्ट्स लेते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ ये देखिए रॉन्ग आने वाले को भी बोलते हैं। यस, उनको भी हम बोलते ही है, बट काफ़ी हद तक ये देखिए हम ये कहते हैं कि एक तरफा चेंज लाना पॉसिबल नहीं है। मेरा यही मानना है कि एक तरफा हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, एक तरफा हम चेंज नहीं ला सकते, हमको खुद को भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हमको खुद को भी हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अफकोर्स मुमरा हमारा शहर है तो हमारे ऊपर भी उतनी उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट ये है देखिए, महाराष्ट्र में जैसे आप जानते हैं कि पहले मोहम्मद अली रोड था, अभी मुमरा इज़ नोन वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ पे बहुत अमेजिंग मार्केट है कपड़ों का, बहुत अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें हैं, खाओ गलियाँ हैं, तो काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मीरा रोड से आते हैं, भिवंडी से आते हैं, रापोड़ी से आते हैं, काफ़ी जगह से आते हैं, काफ़ी सारी जगह से आते हैं और बहुत तादाद में महिलाएं आती हैं, 30 से 50 हज़ार के बीच में हर रोज़ महिलाएं आती हैं यहाँ पर। तो मैं एक महिला होने के नाते अपने साथ काफ़ी महिलाओं को
कमेटी मेंबर में और भी काफी महिलाओं को जोड़कर हमने ये कोशिश की कि हम खुद उतरे ताकि महिलाएं जो इतनी सारी आती है हमारी। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो अवैध पार्किंग लगाते और रिक्शे वाले जो बीच रोड पर खड़े रह के अपने पैसेंजर उतारते और पैसेंजर बिठाते और रॉन्ग वाले को, तो ऐसे लोगों को आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सर कि देखिए मेरे पास तो कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है जो मैं उनको फाइन मारूं, है ना। ना मैं ट्रैफिक पुलिस हूँ, ना मैं पुलिस हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ जो आपने उनको समझाई सकती हूँ प्यार से, उनको थोड़ा सा डांट के समझा सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप पे एक्शन लिया जाएगा, इतना ही कर सकती हूँ। हमारे पूरे फैले हुए कमेटी मेंबर, हमने पिछले साल भी बखूबी इसको मैनेज किया था, तो हमको इसका एक्सपीरियंस है, हमसे लोग मानेंगे भी इंशाल्लाह और उनको प्यार से समझाएंगे तो मोहब्बत और प्यार से सारे काम हो सकते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। स्टाफ कम है, आपने भी बताया और प्रशासन का भी ये कहना है कि हमारे पास में स्टाफ कम है। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास में लगभग 6 से 7 वार्डन और 3 से 4 पुलिस अधिकारी, जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी है, वो लोग एक ही जगह खड़े रह गए, फाइन मारते हैं और गाड़ियों को रोकते धक्के, वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं, हर रोज चलता है 12 बजे के बाद रोज चलता है वो चेक। मैंने खबर भी चलाई थी, हमने कितनी न्यूजों में खबर भी चलाई। आप प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहोगे कि दो दो वार्डन ऐसा मतलब डिवाइड ना हो जाए? पिछले साल अगर आप लोगों ने उसे दिया था तो पिछले साल काफ़ी हद तक के जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमारे साथ थे और काफ़ी हद तक के उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया था। हाँ, जब सीनियर दूसरे थे दिलीप पाटिल, जब वो जी अब वो ट्रैफिक पुलिस से पिछले साल तक काफ़ी काम किया था, तो इस साल भी हमने उनको लेटर दिया है, ज़रूरत पड़े तो हम उनसे वापस से बात करेंगे और उनसे ट्रैफिक पुलिस की मांग करेंगे, बिकॉज ये चीज़ सही है, जब तक आप फाइन नहीं मारोगे, जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे, लोग नहीं सुनते। हम उनके प्यार से बोलेंगे, काफ़ी लोग ऐसे होते जो नहीं सुनते, तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना जरूरी है।